उसने मना क्या दिया, मत खा रोटी, गुस्सा आया था तो मुझे मार लेती, पड़ोसी को तो गाली दे देते। अब ये शरीर को खाना नहीं दिया, यानी आदमी क्रोध में अंधा हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हा? दाल में नमक कम होने पर घर में झगड़ा होवे और मिट्टी का तेल सिर पे डाल के आदमी में आग लगा के भी मर जाओ, पंखा देख रहे हैं ना, फांसी लगा के मर जाओ। उदाहरण और दे, आपको पता है घर के झगड़े से है ना, वो सादरा वाली है ना, आत्महत्या करके मर गई। अगर मेरे से झगड़ा किया ना तो ऐसे ही एक दिन तेरा भी होगा, मैं भी मर जाऊं, मर जाऊं, कट जाऊं, सिर पुड़वाऊं, भूखे रह जाऊं, पर मेरे खसम में तेरी बात मान के तुझे सर ना झुकाऊं। पर पति की इज्जत ना करे, समझदारी ना करे क्रोध में। अब पुरुषों को क्रोध आता है तो वो क्या करते हैं तिवारी बाबा, आदमियों को भी क्रोध आता है ना, तो आता है तो पहले तो दो कान पे बजावे, विपरीत दिशा है, ये अपना सिर पीटती और पुरुष उसका पीटता, ये पहला फर्क हो गया। दूसरा, पुरुष रोता तो आंसू नहीं दिखता, ये माई रोए तो ढेर सारे आंसू दिखते। पुरुष बहुत रोते हैं, आपसे ज्यादा रोते हैं, आप तो रो के भड़ास निकाल देते हो, लेकिन वो जिंदगी भर रोते हैं, बाप जी कब तक इसे निभाना पड़ेगा। एक आदमी, एक महिला थी कन्वेंट स्कूल की, आजकल तो फैशन हो गया ना जी, कितने ब्रांड है, कुत्ता पालते थे, कुत्ता पालते हमारे मेहरा साहब की घर की हकीकत की घटना, इनके यहाँ कुत्ते बहुत होते थे पहले, और शादी के बाद एक भी नहीं पाला। उन्होंने कहा भाई क्या बात है भाभी माँ, कुत्ता, बोले अब एक ही काफी है, दूसरा क्या रखूं भूखने के। क्यों, मेरा याद है आपको, मैं जागरण गाने आया था एक बार, यहाँ दिल्ली में आया था जागरण गाने आया था, हमारे जोड़ीदार सब चंचल हो गए साथ में, कहे पाजी समझो ना, वो पाजी यानी भाई साहब के, और हमारी यूपी की भाषा में पाजी बोले तो गलत बात। तो मैंने बोला यार एक गलत बात मत कर, अच्छी बात कर। बोले देख 11-12 बज गए, घर जाना है। मैंने बोला भाई जी बस एक एंट्री मेरी रह गई है, वो कर मैं करू, ठीक है ठीक। फिर 5 मिनट बाद आया, अरे तू चल जल्दी। क्यों? बोले घर जाना है। अरे अभी मेरा नंबर आएगा ना, एक गाना और बाकी है, मैंने मेरी एंट्री मारी थी दूसरे जागरण में, एक जागरण में तो कुछ होता नहीं था साहब, 3-3 जागरण एक दिन में गाते थे। सब पूरा वो जमाना ही अलग था। बोले भाई तू जल्दी चलता। मैंने बोला क्यों? अरे तुझे पता नहीं, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा ना, तेरी भाभी रोटी ना खाएगी। मैंने कहा यार भगवान की दया है, शेरा वाली ने तेरी बात सुन ली है, है? क्यों? कि जब तक घर नहीं जाएगा हमारी माँ रोटी नहीं खाएगी, ये तो कलयुग में भी त्रेता राम का है ना, मर्यादा है। हाँ हाँ ठीक है, काम कर। अरे मतलब यार उसको बोलना ऑर्गेनाइजर को पहले एंट्री मेरी कर दे, मेरे हाथ में क्या है, अभी वहां तो चल रहा था दूसरा, हम बेहम राज ऐसे गा रहे थे लोग, रागनी टाइप की ज्यादा चले, रागनी सुनी हमारी MP के लोग इन्हें ना सुनी, हम बेहम राजा की दुलारी बेटी छोड़ ज्ञान जोगेगा। अब वहां पर हमने कहा कि ठीक है भाई एंट्री लगेगी तभी जाओ, कहे लेकिन तू तो शांत रहना, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, इतने अच्छे मित्र हैं, आपके बिना रोटी बनाकर नहीं खाएगा, रोटी खाएगी नहीं तो भगवान को दो एक हाजरी और लगा दे माँ के चरणों में, बिना पेमेंट वाली, एक दिन पेमेंट मत लियो। ऐसे शिष्य को भी गुरु के घर एक आधे दिन पेमेंट पे, बिना पेमेंट का भी करना चाहिए,
परिणय तो गड़बड़ हो जाए, तो कहते गुरु जी घर जाए तो भगा देगी। बच्चे के स्कूल का फीस नहीं, घर में खाने के बहुत सारे बयान। मैंने कहा लक्ष्मी, मैंने कहा एक दिन बिना पेमेंट के गा दियो तू, रुक जा, अभी इतनी अच्छी पत्नी जो मिल गई है मर्यादा वाली। तो बोले अभी चुप हो जाने में तेरे कान पे बजा दू। नहीं ले, मुझे पे क्यों बजावेगा? बोले अबे भाई साहब मैं तेरे पैर पकड़ रहा ये चल। मैंने बोला क्यों? अरे जब रोटी बना के दूंगा तो तेरी माँ तब भी रोटी खावेगी, ऐसा जमाना आ गया। मैं बता कैसे बताऊ तुझे? बोला तू रोटी बनावेगा तब वो रोटी खावेगी। बोले भाई गलती मेरे बाप ने कर दी, 10 लाख रुपया दहेज में ले लिया। मैं पढ़ा लिखा कम था तो झाड़ू ना लगावे, इसलिए दहेज ज्यादा मत लेना, रसम 1 रुपया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं। यहाँ काल यवान क्रोध में है और कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी को मुचकंद के ऊपर डाल दिया, क्रोध में अंधा। कालियावान की बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुई, कहने वाह अभी तक रास रचाई छलिया, मलाई रंगरेलिया, बन गया तपस्वी। और उस पे प्रहार कर दिया, प्रथम प्रहार, द्वितीय प्रहार, तृतीय प्रहार, और अग्निदेव के नेत्रों से वो तुरंत वही जल करके भस्म हो गया। कालियावान भस्म हो गया। कालियावान के भस्म होते ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा दिया। बोले मुचकंद मैं नहीं ले सकते, पहला दो मुकाम। बोले क्यों नहीं रह सकते? बोले क्यों नहीं रह सकते तो सुनो आप, क्योंकि आपने मेरे गुरु पुत्र को मारा है। आपने मेरे गुरु पुत्र की हत्या की, वो भी मेरे आगे, और जो शिष्य गुरु की निंदा करे वो नरक में जाए। निंदा सुने तो गौ हत्या का पाप लगे। कि जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है परिहार नहीं करता है तो गौ वध का पातक लगता है। इसलिए नहीं, मुचकंद को अपने स्थान पे पहुंचा दिया। इसे कहते हैं छलिया। और इधर ब्रज में गोपियां कन्हैया को स्मरण कर रही हैं कि तोड़ कर दिल मेरा तू कहां चल दिए, तोड़ कर दिल मेरा तुम कहां मेरे नंदलाल कहां चले गए? मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, लेकिन आप जाके प्रीत लगाई खूब जाके संग जाके प्रीत लगाई।
गोपिया कहती है नंदलाल हम पहले ही कहते थे कि मुझे हम लोग पहले ही कहते थे कि कन्हैया तेरा भरोसा नहीं क्यों जी नव प्रिया है नव प्रिया है नव प्रिया नए नए प्रिय आपको मिलते जाएंगे और हमारी कदर रहेगी नहीं। हम तो पहले ही कहते थे कि दिन में सफर होगा रात का सफर काट के सवेरे जब तुम मथुरा पहुंचोगे तो वहां फिर ऐसे ही नए नए लोग आपको मिल जाएंगे और तुमने वही किया जाके जाके प्रीत निभाई खूब जाके चंदू जाके प्रीत निभाई खूब जाके चंदू हम सभी जानते थे मोहन तेरा रंग हम सभी जानते थे मोहन तेरा रंग ओ मोहन तेरा रंग ओ मोहन तेरा रंग ओ मोहन देवता तुवता देवता देवता क्योंकि मैं तड़पता हूँ हर पल तुम्हारे लिए तोड़ कर भगवान कृष्ण द्वारका में है